लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। क्या बात है दीदी, तुम मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि नित्य प्रतिदिन श्री महागणेश की आराधना करने का ढोंग करने वाला मेरा पति कितना पाखंडी है। दीदी, क्या कहने की इच्छुक हो तुम? यही कि आप ऋषि कहलाने का अधिकार तो आपने खो दिया है, अब मैं आपको ढोंगी अथवा पाखंडी कहा करूं? कैसा विचित्र स्वभाव है तुम्हारा और कैसा विचित्र व्यवहार है आपका। व्यवहार क्या किया है हमने? ये पूछे कि क्या नहीं किया है आपने? जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहो। श्री महागणेश यज्ञ पूजा में लगा मेरा मन, भ्रमित न करो। श्री महागणेश पूजा का ढोंग करने वाले पाखंडी, तनिक इतना तो बताओ कि एक ऋषि इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? एक समान दृष्टि से। समानता का आदर्श बताने वाले ढोंगी, फिर आपने अपनी पत्नियों में समानता क्यों नहीं रखी? अर्थात? अर्थात अदिति को तेजस्वी पुत्रों की माता बनने का वरदान देकर आपने केवल मेरे साथ ही नहीं इस संसार के साथ भी छल किया है। वास्तव में आप ऋषि नहीं, पाखंडी कहलाने की योग्य है, पाखंडी। इसका दोषी मैं नहीं दीदी, तुम हो। तुमने स्वयं को प्रथम पत्नी घोषित करके अपनी बहनों पर घोर अत्याचार किया है, इसलिए विधाता ने तुम्हें दंड दिया है। विधाता? विधाता मुझे क्या दंड देगा? एक दिन मैं स्वयं उसे दंडित करूंगी। गंग बावली न हो दीदी, अन्यथा विधाता के कोप से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, समझी? माता अदिति की जय। 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 प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्रों। परम पिता प्रणाम, देवर्षि नारद प्रणाम, प्रणाम देव गुरु बृहस्पति। हमारी शुभकामना स्वीकार करें प्रजापति कश्यप ऋषि। श्री महागणेश की कृपा से आप देवताओं के राजा इंद्र और संसार को अपने तेज से प्रज्वलित करने वाले सूर्य देव जैसे तेजस्वी पुत्रों के पिता बन गए। जय जय श्री महागणेश।
आपको शश्यत बधाई ऋषिवर, शश्यत बधाई। माता आदित्य की जय, 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 माता आदित्य की जय। कल्याण पुत्रों जाओ, माता दीति से आशीर्वाद प्राप्त करो। नारायण नारायण देवी देवी, चरण स्पर्श करने वाले को आशीर्वाद देना नैतिक धर्म होता है। मुझे आपसे नैतिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तुम देवताओं के ऋषि हो, देवराज इंद्र और सूर्यदेव को लेकर स्वर्गलोक और सूर्यलोक पर स्थान करने के पूर्व इन्हें परम देव श्री महागणेश के दर्शन करवाओ। जो आज्ञा प्रभु देव। कल्याण पुत्र इंद्र और सूर्य को परास्त करने वाले महापराक्रमी होंगे।